हेलो एवरीवन, जस्ट अ मिनट, लेट मी शेयर दिस लिंक इन व्हाट्सएप ग्रुप, देन आई विल सी एट यू. एंड लास्ट वन ग्रुप लेफ्ट. हेलो हेलो एवरीवन, हैप्पी न्यू ईयर. जस्ट अ मिनट, डबल वॉइस. आई टेल यू व्हाट वी विल डू टुडे. सरप्राइज वर्कशॉप. तो मैं आपको बताती हूँ कि आज हम क्या करने वाले हैं. जस्ट अ मिनट. वेलकम टू आर्ट एंड क्राफ्ट विला. I am Kiran Raje and today we are going to do something exciting. Okay? So today's surprise workshop. Naya saal hai. Hindu varsh ki, nav varsh ki shubhkamna aap sabko. To naye saal pe to kuch naya banta hai. Yes? Good evening, Charvi ji. Hello, Shweta ji. सारे रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल है. अभी कोई रिकॉर्डिंग्स डिलीट नहीं होंगे. अभी के लिए सारे अवेलेबल है. जल्दी जल्दी से देख लीजिए. पहले के वीडियोस भी देखिए, मधुबनी, गोंद आर्ट और सारे वर्कशॉप्स देख लीजिए आप. गुड इवनिंग. आई एम ऑल्सो वेरी एक्साइटेड. गुड इवनिंग एवरीवन. तो जल्दी जल्दी से लोग ज्वाइन कर लें. आप भी क्विकली शेयर कर दीजिए लाइव सेशन को. क्विकली शेयर कर दीजिए. हैप्पी गुड़ी पड़वा. मटेरियल अभी आप मुझे देखिए लाइव में कि मैं क्या कर रही हूं, उसके बाद आप लोग कर सकते हो. ठीक है, अभी आप मुझे सिर्फ देखेंगे कि हम क्या करने वाले हैं. टुडे वी आर गोइंग टू डू पेंटिंग ऑन टेराकोटा पॉट. ये पॉट मैंने आपको पहले दिखाया था और मैंने बोला था कि इस पॉट पे हम कुछ पेंटिंग करने वाले हैं. पहले एक पॉट पे हमने बर्ड के लिए हमने वाटर रखने के लिए एक छोटा सा सिंपल डेकोरेट किया था. आज मैं इसको प्लांट्स लगाने के लिए, क्योंकि ये बड़ा है तो मैं इसमें अच्छा से प्लांटेशन कर सकती हूँ, तो इसके लिए बहुत सुंदर सा हम आर्ट करने वाले हैं. ओके, तो ये टेराकोटा का पॉट है, इसके ऊपर हम करने वाले हैं. थैंक यू श्वेता जी. तो जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए ताकि जो सीख सके, जो सीखना चाहता है सब सीखे, किसी का छूटे ना. एक्चुअली क्या हुआ, आज मुझे लाइव नहीं आना था. आपको मैंने बताया था मुझे बहुत काम था, मैं मार्केट भी गई थी, बट मैं कुछ फ्रेम करवाने के लिए दिए थे, पेंटिंग फ्रेमिंग के लिए दिया था और वो आज आ गया. मैं 3:30 घर आई और जब मैंने वो फ्रेमिंग देखी तो मेरा मन कर रहा था कि मैं आप सबको भी दिखाऊं. मैं बहुत ज़्यादा सारी पेंटिंग्स फ्रेम नहीं करा रही हूँ. एज यू नो कि नेक्स्ट ईयर वी हैव टू शिफ्ट, तो वो शिफ्टिंग में बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी मुझे, इसलिए मैं अभी फ्रेम नहीं करवा रही हूँ. हम जो भी पेंटिंग्स बनाते हैं मैं रखती जाती हूँ, सेव कर रही हूँ उनको, फिर एक साथ फ्रेम करवाएंगे. बट कुछ पेंटिंग्स ऐसी होती है जिसको फ्रेम कराए बिना नहीं रहा जाता, तो मैंने वो पेंटिंग करवाई है, वो भी मुझे आपको शो करनी है, दिखानी है. तो अभी हम वो भी दिखाएंगे आपको. ओके, जल्दी जल्दी से शेयर कर दीजिए. तो हम इस पॉट पे करने वाले हैं. टेराकोटा पॉट है, ये बिल्कुल हांडी है. एक्चुअली ये हांडी है ना. तो जब हम ऑनलाइन फूड ऑर्डर किया था तो उसके साथ आई थी, तो हमारे बहुत सारे कलेक्ट हो जाती है, तो सोच रहे हैं क्यों ना इनको यूटिलाइज किया जाए. वाई टू थ्रो दीज, इतना मुश्किल से मिलता है ये इस बर्तन, तो हमें करना है. ओके, आई होप यू ऑल आर वेरी एक्साइटेड फॉर दिस. हैप्पी गुड़ी पड़वा एवरीवन, नववर्ष की शुभकामना आप सबको. तो अब जब आप वीडियो शेयर कर देते हैं, लाइव सेशन शेयर कर देते हैं, तो शेयरर टैग आ जाता है एक सामने, तो वो टैग मुझे दिख जाता है कि आप लोगों ने शेयर किया है. थैंक यू सो मच. एंड कल हमने जो वर्कशॉप के लिए अनाउंस किया था, मैंने नेम भी नहीं बताया था उस टाइम, सिर्फ आपको शो किया था पेंटिंग. वी विल मेक दीज टू पेंटिंग, किंग पृथ्वीराज चौहान एंड संयोगिता. ये राजा पृथ्वीराज चौहान है एंड संयोगिता की, रानी संयोगिता की पेंटिंग है. वी विल मेक, और हमें लगा कि हम इसमें लिमिटेड रजिस्ट्रेशन लेंगे. ओके, तो लिमिटेड रजिस्ट्रेशन के लिए सिर्फ एक ही दिन का ब्रेक दिया था आज का, और कल से हमारी ये पेंटिंग स्टार्ट हो रही है. कल और परसों दो दिन के लिए होगा हमारा पेंटिंग. अगर कंप्लीट नहीं हुआ तो मैं और ले सकती हूँ, और डे हम एक्सटेंड कर सकते हैं, टाइम एक्सटेंड कर सकते हैं. तो ये लाइव में रहेगी पेंटिंग.
इसके लिए रजिस्ट्रेशन हमने 20 रजिस्ट्रेशन फिक्स किए थे कि 20 से हम ज्यादा रजिस्ट्रेशन नहीं लेंगे, बट 20 रजिस्ट्रेशन ऑलरेडी फिल हो चुके हैं। तो अगर फिर हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम कल 11 o'clock तक इसके रजिस्ट्रेशन ओपन रखेंगे, उसके बाद हम रजिस्ट्रेशन नहीं लेंगे। ओके ओके, सो नाउ वी हैव टू स्टार्ट, मैनी मेंबर हैज कम, तो सब लोग आ चुके हैं, अभी हम स्टार्ट करते हैं। टेराकोटा का बर्तन आप जो भी यूज करते हो, पहले इसको मैंने भिगो के रखा है पानी में, ठीक है। मैंने इवन काफी देर तक, वन एंड हाफ आवर तक मैंने इसको भिगो के रखा था पानी में, इसको पानी में भिगोया। उसके बाद अभी आप कुछ नहीं करो, अभी देखो ना, वरना पॉट पे जो कर रही हूँ वो कैनवास पे सेम पॉसिबल नहीं हो पाएगा। अभी आप देखो कि हम क्या करने वाले हैं। तो मैंने इसको भिगो के रखा था, तो अब क्या होता है पानी में जब आप भिगो के रख दे तो ये कलर बहुत ज्यादा ऑब्जर्व नहीं करेगा। अगर आप डायरेक्ट कलर करते हो टेराकोटा पे तो कलर ऑब्जर्व करता है, तो बहुत ज्यादा कलर लगता है आपका। तो इसको जब भी आप टेराकोटा का कोई भी मटेरियल यूज करते हो, आप उसको पहले से पानी में भिगो के रखेंगे। ओके, नाउ आई विल स्विच माई कैमरा टुवर्ड्स माई वर्क प्लेस, देन वी विल स्टार्ट। वी रिक्वायर एक्रेलिक कलर ब्रशेस। अगर आप मेरी फ्रिक्वेंट वर्कशॉप ज्वाइन करते रहते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करती हूँ कि इस तरह के ब्रश के सेट, राउंड ब्रश एंड फ्लैट ब्रश के सेट ले सकते हो। फाइन आर्ट आर्टिस्ट ब्रश, राउंड ब्रश एंड फ्लैट ब्रश, इस तरह के सेट आते हैं, आप लेके रख लीजिए ताकि आपको इजी रहे। ओके, चलो नाउ वी विल स्टार्ट। यस आई एम लाइव, अभी लाइव चल रहा है हमारा। ओके ओके, नाउ लेट मी स्विच माई कैमरा, आई विल रीड योर मैसेज ऑल्सो। And at the end, I'll show you that paintings. Okay. अभी मैंने इसको ज्यादा क्लीन नहीं किया है क्योंकि हमें वैसे भी यूज करना है। So now I'm going to use. Happy Bihu. Okay. So now I will start with this. Paint use करने वाली हूं मैं. Acrylic color. सिंपल एक्रेलिक कलर जो आपके पास छोटी बॉटल्स में होते हैं वो ही कलर्स हैं। ये भी देखो, ये भी मेरा टेराकोटा का ही है, इसमें भी पानी भरा है। ये मैंने कोन वर्क करके और सौरा आर्ट किया था इसके ऊपर। तो मैं इनको कोई भी चीज यूज करती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि इनके ऊपर कुछ ना कुछ आर्ट कर लिया जाए। ओके, दिस इज फ्लैट ब्रश 8 नंबर, आप कोई भी ब्रश नंबर ले सकते हो, फ्लैट ब्रश। ओके, साथ साथ में करते जाएंगे, अभी आप देखिए, बाद में ना कर सकते हो आप ये काम, है ना, जब भी आपको, अभी आप देख लो लाइव में, ठीक है। जो लाइट शेड आप यूज करते हो ना, तब आपको डबल कोट करना होता है लाइट शेड में। ओके, तो मैं बॉटम नहीं कर रही हूं अभी, बॉटम मैं एट द एंड करूंगी, वरना मुझे आपको शो करने में प्रॉब्लम रहेगी। So this side I will do plain yellow. This is golden yellow color. पहले सिंगल कोट करना है हमें। अभी ये क्या हांडी उसमें आई थी, फूड के साथ आई थी मेरे, तो बहुत प्रॉपर नहीं है, कई जगह ऐसे प्लेन नहीं है, बट हमें कोई भी चीज वेस्ट नहीं करनी है, हमें तो यूज करना है इसको ना। I will read your all comments. मैं बाद में पढ़ती रहूंगी क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम नहीं लेना चाहती आप लोगों का, वेस्ट नहीं करना चाहती कि टाइम वेस्ट हो, वेस्ट तो बिल्कुल नहीं करना है हमें ना, तो बातें करते करते हम काम भी कंप्लीट करेंगे और मैं आपको पेंटिंग भी शो करूंगी फिर। अगर आपको जो वारली दशावतार का यूज करना है, करनी है क्लास, तो आप कर सकते हो ना, वारली दशावतार अवेलेबल, रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल। तो 2 days का क्लास है उसमें, कैनवास, यू कैन यूज कैनवास इन वारली दशावतार और 300 DSM शीट, कुछ भी यूज कर सकते हो। पहले मैंने सोचा मैं करके रखती हूँ थोड़ा सा काम इस पे, फिर मुझे लगा नहीं, ये फिर आप लोग बोलोगे मैम पता नहीं आपने कुछ और लगाया होगा, कैसे किया है, तो इसलिए मैंने सोचा मैं इंडोर प्लांट लगाने वाली हूँ इसके अंदर, और जब प्लांट लगा दूंगी ना तब, और इसका पिक्चर मैं आपको शेयर करूंगी व्हाट्सएप पे, जब प्लांट वगैरह लगा के इसको प्रॉपर रेडी कर लूंगी तब।
व्हाट्सएप के ग्रुप में मैं आपको शेयर कर दूंगी। अच्छा एक चीज और बतानी, वंस यू विल लीव ग्रुप व्हाट्सएप ग्रुप यू विल नॉट एबल टू ज्वाइन अगेन, है ना, आप वापस से ज्वाइन नहीं कर पाओगे। तो वैसे आपको कोई डिस्टर्बेंस नहीं हो रहा होगा वहां पे, और अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे बोल सकते हो। थैंक यू सो मच, एक दिन की वर्कशॉप का अनाउंस करने में आपने इतने रजिस्ट्रेशन आ गए हैं और फीस भी मिनिमम है। टेराकोटा का जो हमारा ये है, इस पे डबल कोट करना है। अब इधर से ड्राई होता जा रहा है, आपको डबल कोट करना है। अभी मैं डबल कोट करने में टाइम वेस्ट नहीं करूंगी, बट आपको डबल कोट करना है, ठीक है। अभी मैंने सिंगल कोट किया है, सिंगल कोट कलरिंग किया है, इसका एक कोट कलरिंग और करना है। हाँ एक्रेलिक कलर बॉटल यूज कर सकते हो आप, ठीक है। ये एक साइड मैंने येलो कर लिया है, साइड से दिखाऊंगी बाद में मैं आपको कि हम क्या करने वाले हैं। नाउ आई विल यूज ब्लू कलर, नो व्हाइट कलर यूज करते हैं पहले। देखो ये स्मग पे भी मैंने डॉट आर्ट कर रखा है, तो जो भी यूज जितना हो सकता है कोशिश करते हैं सब पे काम कर लें, जो भी दिखता है ना सब पे काम कर लें। आई हैव डन दिस मच, एक साइड मैंने येलो कर लिया है, एक साइड मैं करती हूं इसको व्हाइट। ब्रश में पानी नहीं रहना चाहिए, अभी देखो मेरे ब्रश में पानी रह गया है, ब्रश में पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए। अभी मैं दूसरे साइड कलर कर देती हूँ, तब तक शेड्स आप अपने अकॉर्डिंग ले सकते हो। जब ये फाइनल पीस बनेगा तब देखिएगा कैसा लगता है और फिर डिसाइड करिएगा कि आपको कौन से शेड्स यूज करने हैं। जैसे आप येलो की जगह ब्लू रेड इस तरह कोई भी शेड यूज कर सकते हो। अगेन सेम थिंग, जो भी आपका लाइट शेड है आपको उसे डबल कोट करना है। आई होप कि आज कुछ भी प्रॉब्लम ना आए। मेरे कलर थोड़े से ड्राई होने लगे, बट मैं सोच रही हूं कि इन्हीं को मैं फिनिश कर देती हूँ फिर नया बॉटल ओपन करूं, वेस्ट नहीं करना ना। जो काम आप करते हो उस काम की वैल्यू होनी चाहिए, ऐसा नहीं बहुत पैसा है कोई बात नहीं इसको फेंक दो दूसरा ले लें, ऐसा नहीं करना है। व्हाट्सएप नंबर अभी कोई ना कोई आपको शेयर कर देगा। अभी मैं थोड़ा सा मेरे हाथ बिजी हैं, तो अभी कोई ना कोई शेयर कर देगा आपको यहाँ पे। मयूर जी आ गए हैं क्या? पूर्णिमा जी तो बिजी हैं आजकल, थोड़ा सा उनका फैमिली में कोई गेस्ट आए हुए हैं। श्वेता जी देंगे, श्वेता जी और निधि जी। अभी नंबर शेयर कर दीजिए मेरा कॉन्टेक्ट नंबर ना, 9252507001, ठीक है, 9252507001 ये व्हाट्सएप नंबर है, कॉलिंग नंबर नहीं है, तो प्लीज कॉल नहीं करें, मैं नहीं मिलूंगी इस पर। ओके
इज इट ब्लर? आज तो ब्लर नहीं लग रहा है। अभी तो मैंने अच्छे से नेट चेक किया था और अच्छे से चल रहा था, इसीलिए मैंने प्लान कर लिया है वर्कशॉप। मैंने कहा आज कोई इश्यू लग नहीं रहा, चलो प्लान करते हैं। इट्स ब्लर, ठीक है मैं अभी चेक करती हूँ, एक बार फिर से चेक करती हूँ, ये व्हाइट कलर कंप्लीट करके फिर चेक करती हूँ। ओके, तब तक तो देख ले, एक बार ये व्हाइट कलर कंप्लीट करके फिर चेक करती हूँ। मुझे मेरी अनदर डिवाइस पे मुझे नहीं लग रहा है ब्लर, फिर भी अभी देख लेते हैं। इट्स नॉट ब्लर। हाँ तो आप देखो, कई बार क्या होता है आपका खुद का भी नेट थोड़ा स्लो चलने लग जाता है या कोई नेटवर्क इश्यू आने लग जाता है, तब भी आपको ब्लर दिखने लगता है। तो हो सकता है आपका इंटरनेट में भी प्रॉब्लम आ रहा हो। अभी आपको व्हाइट, जहां पर भी आपने व्हाइट किया है, लाइट कलर है जैसे येलो कलर किया है, येलो को भी डबल कोट करना है और व्हाइट को भी डबल कोट करना है, ठीक है? क्योंकि लाइट शेड है, लाइट शेड को हम डबल कोट कर रहे हैं। अभी इन पे सब पे डिजाइंस करेंगे हम, ठीक है? इन सब पर डिजाइंस कर देंगे, व्हाइट पर भी हम ड्रॉइंग करेंगे, डिजाइन करेंगे और इसे बहुत सुंदर बना देंगे अभी। ओके, येलो एंड व्हाइट आई हैव डन। अभी व्हाइट थोड़ा सा वेट है, तब तक मैं लेती हूँ नॉट ब्लर। एक बार कैमरा मैं क्लीन करूं। टोटली क्लियर? ओके, अभी देख लीजिए एक बार, कैमरा फिर से क्लीन हुआ है तो देख लीजिए, हो जाएगा। हाँ, गोल्डन येलो लिया है मैंने बॉटम साइड में। अभी कंप्लीट होने के बाद में आप देखिए ताकि आप कलर डिसाइड कर सको कि आपको कौन सा कलर लेना है। ओके, सबका अपना अपना चॉइस होता है कलरिंग का। क्लियर। अभी मुझे क्या बार बार ऐसा लगता है कहीं आपका टाइम वेस्ट ना हो रहा हो, कहीं आपका टाइम वेस्ट ना हो रहा हो, तो मुझे ऐसा लगता है मैं थोड़ा फास्ट करूं उसमें लगता है। कलर आई विल ओपन दिस पर्शियन ब्लू। अभी मेरे कलर्स ओपन नहीं है तो मुझे ओपन भी करने होंगे। अभी मैं ऐसे ही ओपन कर लेती हूँ। ये पर्शियन ब्लू है, मैंने यहां पर दिया है बॉर्डर पर्शियन ब्लू का। अभी तक रजिस्ट्रेशन आए जा रहे हैं, मुझे लग रहा है कल 11 o'clock तक भी नहीं रखना होगा, मैं उससे पहले क्लोज नहीं करने पड़ जाए रजिस्ट्रेशन। ये कितना अच्छा है ना, बहुत ही अच्छी सुंदर सुंदर पेंटिंग बनाते हैं और आप लोग उसका फीस डिसाइड करते हो, और चाहे कम फीस हो चाहे ज्यादा फीस हो इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आपको वर्क उसी लेवल का कराया जाता है। ओके,
आपको ड्राइंग से लेकर स्टार्ट करा जाता है। जैसे बुद्धा पेंटिंग का भी आप लोगों ने डिसाइड किया था, 200 रुपीज 2 डेज का क्लास था, उसमें ड्राइंग से लेकर मतलब सब लोगों का वर्क इतना सुंदर आया है। और अब के बाद वो बुद्धा बनाने का उनको समझ आ गया कि ड्रॉ कैसे करना है, अपनी खुद की पेंटिंग बनाई है सबने। थोड़ा सा हैवी हो जाता है ना तो पकड़े पकड़े हाथ में दर्द होने लग जाता है। ये मैंने पर्शियन ब्लू लिया है, इसका एक बार मैं साइड से करके इसकी इक्वल लाइन कर देती हूँ ना, क्योंकि ऊपर स्ट्रेट पकड़ रखा था आपको दिखाने के लिए, तो मुझे क्लियरली विजिबल नहीं होता है और हैंड शेक होने लग जाता है। अभी जो आज मेरी फ्रेम हो के आई है पेंटिंग, मैं वो भी दिखाने वाली हूँ। पहले हम थोड़ा सा ये वर्क कर लेते हैं, अच्छा सा कंप्लीट करते हैं इसको। पिछवाई पेंटिंग आई है हमारी फ्रेम होके, पर्शियन आर्ट क्लास में शायद मैंने दिखा दी थी, नहीं 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 किसी एक क्लास में दिखाई थी, शायद पर्शियन आर्ट में ही दिखाई थी हाँ, बट फ्रेम होके आ गई है वो। बहुत सारे यहाँ पर पिछवाई पेंटिंग लवर्स बैठे हैं जिनको पिछवाई पेंटिंग बहुत सुंदर लगती है। पिछवाई पेंटिंग एक्चुअली है भी बहुत सुंदर। अभी मैंने ब्लू भी कर दिया है, लाइन किया है। अरे डियर कोई बात नहीं, वीडियो विल बी अवेलेबल, तो आप अभी देखिए कि हम क्या कर रहे हैं, और जब आपके पास मटेरियल अरेंज करिए उसके बाद काम करिए, रिकॉर्डिंग विल बी अवेलेबल ना, तो टेंशन वाली कोई बात ही नहीं है। अभी ये देखो मैंने रेड लिया है, पर्शियन ब्लू लिया है सेंटर में, और ऊपर लिया है व्हाइट, ठीक है। अभी अब हम स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा डिजाइनिंग वर्क। ये जल्दी ड्राई हो जाता है, वैसे बहुत टाइम टेकिंग नहीं है, टाइम नहीं लगता है। आई एम टेकिंग दिस ग्रीन कलर फर्स्ट, तो ग्रीन कलर लेती हूँ। कॉम्बिनेशन आपको डिपेंड करता है, आप पे डिपेंड करता है कि आपको क्या लेना है। अभी थोड़ा सा ब्लू वेट है तो मैं जैसे ही ऐसे करूंगी वो ओके, मैं थोड़ा ऐसे करके करती हूँ, ज्यादा टिल्ट नहीं करूंगी। ओके आई एम डूइंग ग्रीन लाइन दिस साइड। अगर आपको ड्राइंग करनी है, ड्राइंग करके करनी है, आप ड्राइंग करके भी कर सकते हो, पेंसिल से ड्रॉ भी कर सकते हो। आई हैव टू डू डबल कोट, वेट है अभी व्हाइट वाला तो व्हाइट ऊपर आ रहा है बार बार, थोड़ा सा ड्राई होने दे, जब भी कलर करें ना थोड़ा सा ड्राई होने दे। सो आई एम मेकिंग लाइन दिस साइड। क्योंकि मेरी इस हांडी पे क्या रेस्टोरेंट का नेम लिखा हुआ है तो मैं इसको डिवाइड कर देती हूँ। ओके अभी मैंने पूरा शो करूंगी आपको, दिखाऊंगी साइड से भी, अभी मैंने सिर्फ ग्रीन लाइंस बनाई हैं। पूरा आपको पिक्चर फोटो क्लिक करके दिखाया जाएगा, फिर प्लांट करेंगे इसमें, प्लांटेशन करेंगे तब आपको फिर से दिखाया जाएगा कि ये कैसा लग रहा है। ओके अभी हमने ग्रीन किया है, बट ग्रीन हमें डबल कोट करना पड़ेगा क्योंकि ग्रीन आप देख सकते हो थोड़ा सा लाइट हो रहा है, तो इसको हमें डबल कोट करना पड़ेगा ग्रीन को, ठीक है। ऊपर भी पेंट करना भी तो काफी होगा इसमें,
डू डबल कोटिंग, बट लेट फर्स्ट फर्स्ट कोट ड्राई देन डू सेकेंड कोट. पहले फर्स्ट कोट है कलरिंग का, उसको ड्राई होने देना, उसके बाद सेकेंड कोट करना, वरना कोई मतलब नहीं रहेगा आपका. ओके, आई हैव डन दिस मच. देन मूव ऑन नेक्स्ट स्टेप. हाँ बिल्कुल, आप पेंसिल से आपको अगर ड्रॉ करना है ना, तो आप क्या करिए, पेंसिल कलर्स आते हैं तो इस तरह के पेंसिल कलर्स आते हैं, तो येलो, गोल्डन येलो, व्हाइट, इस तरह के पेंसिल कलर्स आते हैं, वो यूज करिए, ब्लैक यूज नहीं करिए. ठीक है, येलो आता है, गोल्डन कलर आता है, व्हाइट कलर आता है, तो पेंसिल कलर यूज करिए ड्रॉ करने के लिए, अगर ड्रॉ कर भी रहे हैं तो. अभी ये कैसा लग रहा है, इधर ग्रीन और ये देखिए ऐसा लग रहा है. ठीक है, नाउ अब हम चेंज करते हैं थोड़ा सा. मैं एक साइड पैटर्न बनाऊंगी, दूसरा साइड हम सेम पैटर्न बनाने वाले हैं, तो कोई दिक्कत नहीं होगी. अभी मुझे चाहिए ब्लू कलर, देन ग्रीन कलर एंड रेड कलर. आई विल टेक दीज थ्री कलर्स फर्स्ट. ठीक है, पहले मैं ये थ्री कलर्स यूज करने वाली हूं. नाउ आई विल टेक राउंड ब्रश. राउंड ब्रश लिया है मैंने. ठीक है, इस टाइप रखती हूँ कलर्स, वरना मेरे डर्टी हो जाएंगे. थोड़ा सा वेट है अभी भी, तो वेट करना पड़ेगा. अभी मैंने यहां पर बनाया है वार्ली का, हमें डिजाइन देना है. मैं वार्ली आर्ट करने वाली हूं इस पे, तो आप देखिए कि हम कैसे कर रहे हैं. एक ट्रायंगल, एंड वन मोर ट्रायंगल आई हैव डन दिस. ओके, डायरेक्ट पेंट से कर सकते हो, अदरवाइज यू वांट टू ड्रॉ, यू कैन ड्रॉ विथ पेंसिल कलर. ठीक है, ये मैंने कर दिया, इस साइड भी मैंने. टू ट्राइंगल्स फिगर्स आपको बनाना सिखाए थे, अभी कलरफुल बना रहे हैं हम, थोड़ा कस्टमाइज करके कलरफुल बना रहे हैं. ठीक है, टू मैंने बनाए हैं. अभी मुझे सिर्फ ब्लू में मैंने यही करना है. अब मैंने लिया है रेड कलर, पहले सिर्फ ट्राइंगल बनाऊंगी, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे. डिफरेंट डिफरेंट पोजिशन में टिल्टेड, टर्न हुए हुए, कैसे भी आप बना सकते हो. वन ट्राइंगल, वैसे अगर आप ड्रॉ नहीं करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है, डायरेक्ट भी कर सकते हो. ठीक है, टू ट्राइंगल अभी मैंने ये कर लिया. अब मैं ले लेती हूँ ग्रीन कलर ऑल्सो. चॉइस आप, कलर चॉइस आपकी होती है कि आपको क्या कलर लेने हैं. ठीक है, कलर कॉम्बिनेशन आपको बिठाना होता है. ये मैंने लिया है ग्रीन कलर, वन ट्राइंगल. कोई मेजरमेंट की जरूरत नहीं है, आपको ध्यान रखना है कि फेस के लिए ऊपर स्पेस बचना चाहिए, लेग्स के लिए नीचे की साइड स्पेस बचना चाहिए, दैट्स इट. कोई मेजर नहीं कर रही हूँ, कोई ड्राइंग नहीं कर रही हूँ, आप देख सकते हो, फ्री हैंड ड्राइंग. ठीक है, डायरेक्ट पेंटिंग. इतना करने के बाद अब हमें, मैं कलर्स क्लोज करती जाती हूँ साथ के साथ, अदरवाइज वो ड्राई हो जाएंगे. तो हमें हर चीज का ध्यान रखना है, कलर्स का भी ध्यान रखना है, कलर्स ड्राई ना हो. अभी हम इसको और काम बढ़ाते हैं आगे, है ना. देखो अच्छा लग रहा है, अभी बहुत सुंदर बनाएंगे इसको, और भी सुंदर बनाने वाले हैं. अभी हमें चाहिए ब्लैक कलर, आई विल यूज ब्लैक कलर नाउ. छोटा वाला है मेरे पास ब्लैक, देखती हूँ.
हाँ आई हैव इन दिस स्मॉल बॉटल, तो मैं पहले स्मॉल बॉटल का यूज कर लेती हूँ. एंड थिन ब्रश, वी रिक्वायर थिन ब्रश, तो थिन ब्रश निकाल लेती हूँ मैं एक बार. जीरो नंबर ब्रश आई विल यूज, बहुत ज्यादा थिन भी नहीं करेंगे और बहुत ज्यादा वो भी नहीं करेंगे, जीरो नंबर ब्रश आई विल यूज. ठीक है, एक जीरो नंबर ब्रश है, एक थोड़ा सा थिक है. पेंसिल कलर कोई भी ब्रांड के ले सकते हो, आपको ड्राइंग करना है पर्टिकुलर किसी ब्रांड पे स्टक नहीं हो जाइए. ठीक है, पेंसिल कलर नॉर्मल आपके घर में कोई भी पेंसिल कलर रखे हो यू कैन यूज दैट. अभी पहले मेरे को बनाना है फेस, हैंड्स बनाने से पहले अपन को बनाना है फेस. ब्रश में वाटर बिल्कुल नहीं रहना चाहिए, केयरफुली ध्यान रखना है वाटर बिल्कुल नहीं रहे. तो आपको फेस बनाना है ब्लैक से और नेक बना दिया मैंने. ठीक है, सेम मैं यही करती हूँ, पहले फेस बना लेती हूँ. कोई जरूरी नहीं है सेम साइज नहीं बन रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, जैसा बन रहा है वैसा बनाओ. अभी तो हम इसमें और भी बहुत डिजाइन करने वाले हैं और काम करने वाले हैं, बहुत सुंदर बनाने वाले हैं इसे, प्लांट करने वाले हैं. थैंक यू सो मच. अभी तो क्या होता है, फैमिली मेंबर्स का मेरे पास कॉल आता है, बोलते हैं मैम ऐसा लगता है घर में कोई भी चीज पड़ी हो उठा के उस पे आर्ट कर दो. जब से देखने लगे ऐसा लगा कोई भी चीज छोड़ना नहीं है, सब पे आर्ट कर दो और बड़ा मजा आता है. अभी हमने ये कर दिया, आपका छोटा आप छोटे पे भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं. आप फाइव फिगर्स मत बनाओ, 1 2 3 जितने फिगर्स आप बना सकते हो यू कैन मेक. ओके, अभी मैंने लिया है ब्रश गिर गया, जीरो नंबर ब्रश लेती हूं मैं. जीरो नंबर ब्रश लिया है और मैंने करना है आउटलाइन, सबके आउटलाइन करनी है, कोई सा भी कलर हो कोई दिक्कत नहीं है, सबको आउटलाइन करना है आपको. थिन ब्रश लेना है और उससे आउटलाइन करना है, तो जहां आपका ट्रायंगल में फिनिशिंग नहीं था वहां पर भी आप फिनिशिंग दे दोगे, अब आउटलाइन में फिनिशिंग चला जाएगा आपका. ठीक है, जब आउटलाइनिंग करोगे तब और ज्यादा फिनिशिंग आ जाएगी आपकी इसमें. अब इसके साथ में जब आउटलाइन करते जा रहे हैं तभी हम लेग्स और हैंड्स बना देंगे. ठीक है, ये बनाए हैं मैंने लेग्स, इसको मैंने लेफ्ट साइड में टर्न करवा दिया है. ठीक है, अरे आप मुझे एक बार WhatsApp पे वापस से रिमाइंड कराइए, मैं आपको बता दूंगी कि कैसे अपलोड करना है आपको फोटो. ठीक है, ब्लू कलर है, आपको लगेगा कि आपको दिख नहीं रहा आउटलाइन, बट यू हैव टू डू, वो दिखता है ना, फिनिशिंग दिखती है आउटलाइन करी हुई. आपको लगेगा कि अरे मेरा तो आउटलाइन तो दिखेगा नहीं, करने की क्या जरूरत है, नहीं बिल्कुल जरूरत है करने की, बहुत फिनिशिंग आ जाती है. ठीक है, अब इनके हैंड्स भी बनाएंगे. ये लेग्स और इनके फुट, हैंड्स में थोड़ा एक बार सबका कर देती हूँ ताकि मुझे पोजीशन पता चल जाए कि किस पोजीशन में. ओप्स, ये देखो वेट है ना तो मेरा पेपर ऊपर आ गया. आर्ट एंड क्राफ्ट विला के पेज पे आपसे पोस्ट नहीं होगा, पेज बिल्कुल प्राइवेट होता है, जहां पर अभी वर्कशॉप ले रही हो ना यहाँ पोस्ट नहीं कर पाओगे आप, आपको करना होगा आर्ट एंड क्राफ्ट विला के ग्रुप में.
ठीक है, जो फेसबुक पे आप सर्च कर सकते हो, ग्रुप आर्ट एंड क्राफ्ट विला ग्रुप, एक पेज होता है एक ग्रुप होता है, तो सेम नेम से आपका हमारा ग्रुप है यहाँ पर, आप उसमें पोस्ट कर सकते हो। थोड़ा कलर का ध्यान रखिएगा, जैसे साथ में ड्राई होते जाए और हैंड्स पे कहीं नहीं लग जाए, वरना पूरा स्पॉइल हो जाएगा। जैसे अभी मेरे हैंड्स डर्टी हो रहे हैं, तो मेरे को ध्यान रखना होगा और उसे क्लीन करने होंगे हैंड्स को, अदरवाइज वो कहीं पर भी लग जाएगा तो स्पॉइल करेगा, है ना। तो हैंड्स का ध्यान रखना है और ब्लैक कलर स्पेशली। थैंक यू सो मच। अभी हम और भी सुंदर बनाएंगे इसको, ओके। जितना इजी आर्ट है ना उतना सुंदर है, और इजी तो आप कैसे कैसे जब आप सीख जाते हो तब आपको इजी लगता है, जो नहीं सीख पाता है, जिसने नहीं सीखा उससे पूछिए कितना डिफिकल्ट होता है इसको करना, ना सीख जाते हैं तब बहुत, कोई भी चीज अगर हम सीख जाते हैं तब हमें बहुत इजी लगती है, जब तक नहीं सीखते हैं तब तक वो डिफिकल्ट होती है, चाहे कोई भी आर्ट हो। क्यों निधि जी, पर्शियन आर्ट इजी है ना। अभी मैं एक ही साइड का कंप्लीट करूंगी ना, सारा साइड नहीं करूंगी। अभी मैंने इसको लेफ्ट दिया था, तो इसको मैं राइट साइड का टर्न दे देती हूँ, लेग को राइट साइड कर देती हूँ, ठीक है। तो आपको क्या थोड़ा सा सिमिलरिटी लगेगी। ये जीरो नंबर ब्रश है, जीरो नंबर ब्रश अब मैं यूज कर रही हूँ। Whatever thin brush you have, you can use that. ये मेरा zero number brush है. If you have double zero, triple zero, कुछ भी use कर सकते हो। जो brush आपके पास available है, आप वो use कर ले। अभी मैंने brush को इतना ज़्यादा गंदा कर लिया है। आपको brush को बीच में clean करना होता है, ठीक है? अभी करते हैं हम। अभी इसको भी front में करना है, तो आपको ऐसे ऐसे और ऐसे दिखाना होगा, और ये वाला लेग इस साइड, अब हम हैंड्स बनाते हैं, है ना निधि जी। वो देखो पर्शियन आर्ट बहुत इजी है। 300 GSM आपको स्टेशनरी शॉप पे, क्राफ्ट शॉप पे मिल जाएगी। अभी हम हैंड्स बना रहे हैं, ठीक है। 300 GSM मिल जाएगी। अगर आप लूज लेते हो तो आपको शायद 20 रुपीस पर पीस मिल जाता है, A4 साइज। ये हैंड अपसाइड एंड ये वाला हैंड, इसको भी मैं अपसाइड बनाती हूँ। ऐसा कुछ नहीं है मैंने अपसाइड पे हैंड करे हैं, तो आप भी अपसाइड ही करो, इट्स अप टू यू, ना। बट ये मैं यहाँ पर आपको एक आइडिया देने आई हूँ कि अगर आपके पास इस तरह का कोई भी पॉट रखा है, कुछ भी रखा है, अभी इसको मैंने दिया है नीचे का हैंड। आप चाहो तो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ जो हमने बताए थे आपको, वो भी कर सकते हो, बहुत सुंदर लगेंगे, ठीक है। ये एक हैंड नीचे, एक हैंड ऊपर। अभी इनके दोनों हैंड हम नीचे बना लेते हैं, थोड़ी सिमिलरिटी लगेगी, है ना। अभी इनका ये वाला हैंड ऊपर बनाएंगे, और ये वाला हैंड मैं नीचे बनाऊंगी ताकि सिमिलरिटी लगे। अभी इसमें दोनों हैंड ऊपर बनाने हैं। अभी आपको क्या करना है, कौन सी आपको फीमेल बनानी है, कौन सी मेल बनाना है। तो मैं ऐसा करती हूँ, रेड कलर में है
ड्रेस में उनको मैं बना देती हूँ फीमेल, ठीक है। और तो इनको फीमेल बनाने के लिए क्या करना होगा, सिर्फ एक बन बनाना होगा हमें। यहाँ मैंने बन बनाया और ये बन गई है फीमेल, ठीक है। इसमें मैंने बन बना दिया इस साइड, बन बना दिया है, ये देखो फीमेल बन गई है। अभी अब हम और काम करने वाले हैं इसमें, ठीक है। अभी से कितना सुंदर लगने लगा है, ये बहुत सुंदर लगने लगा है अभी से। अब हम और काम करने वाले हैं इसके अंदर। एक मिनट इसको एक बार रखती हूँ। जो मैंने दोनों साइड ये बनाई हैं ग्रीन लाइंस, इस पर लाइन दे रही हूं मैं। मेरी कोशिश रहती है कि आपके जो व्हाट्सएप पे कमेंट्स आए मैं जितना हो सके जल्दी आंसर करती हूँ, बट फिर भी कभी कभी थोड़ा सा टाइम लग जाता है ना। अभी आपको मैंने ट्री प्लांट्स वगैरह बनाना सिखाया था, अगर आपको एक साइड पे और वो बनाने हैं आप वो भी बना सकती हो, जरूरी नहीं है आपको सिर्फ फिगर्स ही बनाए, है ना। अगर आपको ट्री और प्लांट्स बनाने हैं वो भी बना सकते हो आप दूसरी साइड। अच्छा लग रहा है ना डिजाइन। अभी एक साइड का एटलीस्ट का मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ, और पूरा अभी तो बहुत थोड़ा सा और काम बाकी है, जितना आप करोगे उतना कम लगता है। अच्छा जब आप करने बैठते हो ना आपको आइडिया भी अपने आप आने लगता है, ऐसा नहीं कि आपको पहले ही सारा सोच के बैठना पड़ेगा, आइडिया भी आपको आने लगता है, अरे मैं ये भी कर देती हूँ, अच्छा ये करूंगी तो ज्यादा सुंदर लगेगा, ऐसे आइडियाज आने लगेंगे आपको, ठीक है। आप लाइव सेशन को शेयर जरूर करें ना, ताकि जिसको सीखना है किसी का छूटे ना। हमने डिजाइन दिया है, अभी हमें और काम करना है। अभी तो एक मिनट अभी हम और काम करते हैं। क्या काम करेंगे हम, पहले मैं ये वाला जो है यहाँ ब्लू वाला जो हमने बनाया है इस पे मैं लाइन बना दूंगी ब्लैक बॉर्डर। I am doing black. बहुत ज्यादा विजिबल नहीं होगा बट होगा थोड़ा सा, कहा था ना फिनिशिंग आ जाएगी आप करोगे तो, विजिबिलिटी उतनी नहीं होगी तो भी फिनिशिंग आ जाएगी, ठीक है। हमारी इस तरह सरप्राइज वर्कशॉप भी आती रहती है, तो आपको व्हाट्सएप ग्रुप में अपडेट मिल ही जाता है। एक्चुअली सडनली प्लान करते सामान रखा होता है इसीलिए मटेरियल लिस्ट नहीं भेज पाती हूँ, फिर आप लोगों को लगता है मटेरियल तो है नहीं क्या अटेंड करना है, बट आप देखो अटेंड करोगे कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलेगा। पहले से प्लान नहीं होती है बट मन करता है अरे आज क्या करें, चलो लाइव चलते हैं कुछ सिखाते हैं नया। अभी मैं सिर्फ एक साइड कंप्लीट कर रही हूँ, ठीक है। अभी ये कर दिया, अब मुझे लेना है व्हाइट कलर फिर से।
ब्रश में अच्छे से वॉश कर लूंगी और नेक्स्ट मुझे देना है। थैंक यू सो मच एवरीवन। व्हाइट कलर के मैं डॉट्स बनाती हूँ यहाँ पे, ठीक है। इसमें बनाने हैं हमें व्हाइट कलर के डॉट्स। अब ब्लू ड्राई हो गया तो आपको व्हाइट डॉट्स बन जाएंगे। यही आर्ट सीखने के लिए आप कितने कितने पैसे देते हो ना। और जब आपको यहाँ पे फ्री सीखने को मिल रहा है तो आपको क्या करना है, सिर्फ शेयर करना है ताकि और लोग भी सीख सके। थैंक यू सो मच एवरीवन। अभी देखो डॉट्स लगाने पे कितना सुंदर आया है ना। इसका क्या शेप थोड़ा सा वो है तो डॉट प्रॉपर नहीं आ पाते, कहीं कहीं पर शेप बिगड़ा हुआ है हांडी का। जहां आपको लग रहा है डबल कोट करना है, नीचे वाला कलर दिख रहा है ब्लू, तो आप डबल कोट कर लें अभी ये, ठीक है। वार्निश करना पड़ेगा अगर आपको वॉश करना है इसको तो, ठीक है। इसको हम वार्निश करेंगे। यस, ऑफलाइन भी सिखाते हैं, ऑफलाइन क्लासेस भी चल रही है, बट अब बंद कर रही हूँ वापस से। अभी स्टार्ट किया था, वापस बंद कर दिया है, कर रहे हैं क्योंकि कोरोना बहुत बुरी तरह फैल रहा है, बहुत ही बुरी तरह फैल रहा है। थैंक यू मलेश्वरी जी, आपके मैं कमेंट्स बता, नाइट में कई बार कमेंट्स देखती हूँ तो फिर दिखता है मुझे आपका कमेंट, बहुत अच्छा लगता है। अभी मैंने रेड कलर लिया है, पहले मैं ये जो है यहाँ पर रेड कलर कर देती हूँ ना, थोड़ा सा ध्यान से करेंगे। कलर कॉम्बिनेशन आप अपना ले सकते हो, चेंज कर सकते हो, ठीक है। येलो की जगह ब्लू, ब्लू की जगह येलो, रेड, कुछ भी इस तरह से चेंज कर सकते हो आप कलर कॉम्बिनेशन। अभी रेड एंड येलो पे मुझे वापस, येलो भी मुझे डबल कोट करना है ना, तो मैं बाद में कर दूंगी, बट आपको भी ध्यान रखना है डबल कोट करना है। रेड पे भी शायद डबल कोट, हाँ डबल कोट करना पड़ेगा। तो आप इनमें पानी भी रख सकते हो चिड़िया के लिए, सुंदर सुंदर वाली आर्ट करके आप पानी भरिए बर्ड्स के लिए। थोड़ा सा जब बनाओ ना तब लाइन का ध्यान रखना, लाइन की फिनिशिंग रहे ना, लाइन फिनिशिंग से रहे। अगर आपको इसकी ड्यूरेबिलिटी बढ़ानी है तो आपको क्या करना होगा, वार्निश करना होगा, वो भी टू कोट वार्निश के करने होंगे, ठीक है। अब एक बार मैं थोड़ा सा रेड कलर ऊपर भी कर देती हूँ, वरना फिर वो रह जाएगा, बाद में करना पड़ेगा, तो आपको भी आइडिया हो जाएगा। मैं इसमें प्लांट लगाने वाली हूँ, देखते हैं कौन सा प्लांट लगाती हूँ।
प्लांट लगाने के बाद में भी इसका पिक्चर शेयर करूंगी, बट अभी डिसाइडेड नहीं है कौन सा प्लांट लगा रही हूँ, डिसाइड नहीं कर रखा मैंने ना, इट्स नॉट डिसाइडेड येट। अभी अंदर पेंट करने की जरूरत नहीं है, अंदर हमें पेंट करने की बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है ना, क्योंकि अंदर प्लांट लग जाएगा, बट इस पार्ट को जरूर पेंट करना है आपको, टॉप साइड पेंट करना है। अभी ये थोड़ा सा ड्राई और हो जाए, क्योंकि अभी मुझे होल्ड यहीं से ही करना है, थोड़ा सा और ड्राई हो जाए। मेरी वर्कशॉप की फीस बहुत ज्यादा होती है, ये बोल रहे हैं रुक्मणी जी। अब फटाफट से रुक्मणी जी को आंसर दे दीजिए प्लीज, आंसर दीजिए रुक्मणी जी को। अभी मेरा ये ड्राई हो रहा है, तो अभी साइड से दिखाती हूँ पहले मैं आपको ना, ओप्स मैंने फिर हाथ लगा लिया। अभी देखो है ना, अभी एक सेकेंड, बहुत गर्मी हो रही है बाबा, जयपुर में बहुत गर्मी है। तो अभी मैं आपको तब तक हमें आपको जो फ्रेम करवा के लाई हूँ मैं वो पेंटिंग्स दिखाती हूँ। बहुत ज्यादा शोर हो रहा है बच्चों का, एक मिनट चुप करवा के आती हूँ मैं बच्चों को, एक सेकेंड। सो सॉरी फॉर डिस्टर्बेंस। तो अभी मैं आपको दिखाती हूँ, फिर हम थोड़ा सा वर्क और करते हैं ना। अभी ये देखिए हमारा पिचफाई पेंटिंग का सेट, ये फ्रेम होकर आया है अभी हमारा। श्रीनाथ जी एंड टू काउ बिल्कुल सिमिलर हैं, डिजाइन सिमिलर है, ये देखिए। अभी इसको हैंग नहीं किया, अभी सिर्फ फ्रेम होकर आया है, निकाल के ही रखा है मैंने इसे। है ना, बहुत अच्छा लग रहा है ना। तो मुझे दिखाना था आप लोगों को कि चलो हमारा एक और पेंटिंग तैयार हो गया है, फ्रेम हो गया है। जय श्रीनाथ जी, थैंक यू सो मच। इवन मैं तो आप, एक मिनट देखना, बिल्कुल। अभी तो फीस, मैं तो कई वर्कशॉप्स ऐसी आती हैं जिसमें आपको बोला जाता है कि आप फीस चूज करो, और जैसे बुद्धा पेंटिंग की आपने खुद ने 2 डेज की वर्कशॉप थी, 200 रुपीज करा था डिसाइड, तो उसमें ड्राइंग से लगाकर ईच एंड एवरीथिंग आपको सिखाया गया है। ड्राइंग भी कि अगर आपको बुद्धा ड्राइंग करना, फेस ड्रॉ करना है तो आपको फेस कैसे ड्रॉ करना है, आईज ड्रॉ करनी है तो कैसे करनी, ईयर कैसे ड्रॉ करना है, तो एवरीथिंग आपको वहां सिखाया गया है ना। तो ऐसा नहीं है कि आप कम फीस ले रहे हैं, हम आप कम फीस दे रहे हो तो आपको कुछ प्रिंट आउट निकलवाने के लिए दे दिया, सिर्फ कलरिंग सिखा दिया, स्क्रिबलिंग सिखा दिया, ऐसा नहीं होता है डियर। बट विल ट्राई आर बेस्ट, अगर आपको फिर भी लगा तो आप फ्री वर्कशॉप ज्वाइन करिए, फ्री वर्कशॉप में भी कहीं आपको कंप्लेन का मौका नहीं मिलेगा। ठीक है, चलो अभी हम वापस से चलते हैं अपने वार्ली पेंटिंग के साइड। ओके, अभी हमारा वापस से करते हैं, थोड़ा सा अभी भी वेट है, बट अब हम चलते हैं थोड़ा सा A3 साइज पर है वो पेंटिंग, तीनों अलग अलग पेंटिंग है, A3 साइज पर है, ये देखिए। अभी इतना हमने कर लिया है काम, ब्लैक कलर निकालती हूँ, बॉर्डर बनाना है। अरे वाह जानवी जी, 2 इयर्स से नाथद्वारा टेंपल जाते हो, इस बार मैं भी चलने वाली हूँ आपके साथ फिर तो। हमें काफी टाइम हो गया गए हुए,
जो पेंटिंग्स बनाते हो आप मुझे दिखा सकते हो, शेयर कर सकते हो, अपना वर्क शेयर करिए प्लीज। और जो भी अपना वर्क इसमें ग्रुप पे शेयर करता है फेसबुक ग्रुप पे, प्लीज वॉटरमार्क के साथ शेयर करें ना, अपना नेम जरूर होना चाहिए वहां पर। अभी मुझे यहाँ पर भी बॉर्डर दे देना है, वरना बॉर्डर नहीं दोगे तो अच्छा नहीं लगेगा। तो मैंने ब्लैक लिया है और ब्लैक से बॉर्डर दे दिया है। अभी भी थोड़ा सा वेट है तो आपको तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, वेट है इसलिए, बट मैं वेट नहीं कर सकती, आपको पूरा दिखाना है। ये फ्री वर्कशॉप्स किस लिए आती है, जो पेड वर्कशॉप्स ज्वाइन नहीं कर सकता है और जिसको आर्ट का बहुत इंटरेस्ट है वो भी करे, ठीक है। ऐसा होगा ही नहीं कि हमारी फ्री वर्कशॉप कभी बंद हो जाएगी। पेड वर्कशॉप फिर भी एक बार बंद हो सकती है, पर फ्री वर्कशॉप बंद नहीं होगी कभी नहीं, ठीक है। अभी टाइम हो गया 2:30 होने वाला है, ओके। तो हमने स्टार्ट भी तो 4:30 किया था आज, है ना। बट जो पेड वर्कशॉप है अगर आप बोलते हो कि वो मैं फ्री में ले आऊं तो वो पॉसिबल नहीं है ना डियर। अभी कई लोगों ने मुझे बीच में बोला कि मैम ये जो आपकी पेड वर्कशॉप आप फ्री में ले आओ, तो वो पॉसिबल नहीं होता है ना। कोई और वर्कशॉप्स में प्लान करके आपके लिए अच्छी अच्छी वर्कशॉप्स ला सकती हूँ, बट पेड वाली फ्री में नहीं ला सकती। जो लोग पेमेंट करके इतना डिफिकल्ट आर्ट होता है रीजनेबल प्राइस में सीखते हैं, बिल्कुल रीजनेबल फीस होती है। अभी थाई पेंटिंग का हमारा हो रहा है स्टार्ट, तो आप देख सकते हो जब वो वर्क करते हैं ना तब पता चलता है उसकी वैल्यू कि सच में आपने फीस कोई ज्यादा नहीं दी है। और कई लोग हैं जो हमारे यहाँ से क्लासेस सीख सीख के फिर अपनी क्लासेस चलाते हैं, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। नहीं नहीं मेरा हैंड बिल्कुल नहीं है, बहुत शेक करता है बहुत शेक करता है मेरा हैंड नेहा जी, फिनिशिंग नहीं आती है। अच्छा पता है, चलो मैं बताती हूँ आपको। कई लोग बोलते हैं मैम मेरा तो हैंड बहुत शेक करता है, मैं नहीं कर सकती, है ना। तो मेरा हैंड इतना ज्यादा शेक करता था और अभी भी थोड़ा बहुत तो करता ही है कि मैं मेहंदी के डिजाइन नहीं बना पाती थी। जब मेहंदी बनाती थी तो बहुत ज्यादा हैंड शेक होता था मुझे, तो मेरा पूरा मेहंदी खराब हो जाता था, इतना ज्यादा हैंड शेक होता था। तो ऐसा नहीं है कि अगर आपका हैंड शेक हो रहा था आप कुछ कर ही नहीं सकते हो। और अब आप देख सकते हो मैं इतने सारे आर्ट और इतनी फिनिशिंग से और इतना अच्छे से कर लेती हूँ। तो ये बिल्कुल नहीं है कि आपका हैंड शेक करता है तो आप काम नहीं कर सकते हो। अभी ये देखिए इतना हमने कर लिया है, सेम यही वाला लाइन। अगर इसमें भी आपको डॉट और लाइन पैटर्न देना है आप दे सकते हो, ऐसे क्रॉस 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 ब्लैक से बना सकते हो, व्हाइट से बना सकते हो, ठीक है। अभी ये कर सकते हो, मैंने येलो पे अभी कुछ नहीं किया है, बॉटम भी येलो करूंगी, मुझे येलो प्लेन अच्छा लग रहा है ना, प्लेन मुझे ज्यादा अच्छा लग रहा है येलो। अभी ये बचा है हमारा सेकंड, इस साइड वाला। तो इस साइड वाले पे अगर सबको सेम ये फिगर्स बनाने आप फिगर्स बना सकते हो, प्लांट्स बनाने आप प्लांट्स बना सकते हो। प्लांट्स बनाना सिखाया था मैंने आपको, ट्री एंड प्लांट्स, तो प्लांट्स भी बना सकते हो आप, या फिगर्स भी बना सकते हो, सेम डांसिंग फिगर्स बना सकते हो, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट के साथ फिगर्स बना सकते हो, सब टू यू कि आपको कैसे बनाना है। यहाँ पर इसमें नेम लिखा हुआ था इसलिए मैंने ये इसको प्लेन छोड़ दिया है व्हाइट, ठीक है। इसमें भी मैं देखूंगी अगर दो लीफ बना दूंगी, एक इधर इस तरह कुछ भी कर लेंगे हम, तो वी विल कम्प्लीट दिस। हम बहुत जल्दी इसको कम्प्लीट करने वाले हैं। तो आप ना क्या करेंगे, एक मिनट में कलर वो करती हूँ, ये स्टोन शॉप से मिला ना, ओके। तो अभी क्या करना है, ये हमने वर्ली आर्ट का ही कल का सेशन हमारा खराब हो गया था, ये चलो एक नया पूरा
डिजाइन बना दिया है हमने वर्ली आर्ट का, वीडियो विल बी अवेलेबल, रिकॉर्डिंग विल बी अवेलेबल, तो ये रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल रहेगी आपको, जब भी आपको वर्क करना है दोबारा से आप चेक कर सकते हो। इसी का पिक्चर मैं क्लिक करके व्हाट्सएप के ग्रुप में शेयर कर दूंगी कंप्लीट करने के बाद, एक बार कंप्लीट कर दूं इसे उसके बाद हम शेयर कर देंगे, ठीक है। और प्लीज शेयर दिस, आपको अगर वाली दशा अवतार की क्लास ज्वाइन करनी है यू कैन ज्वाइन दैट वाली दशा अवतार क्लास। एक मिनट, अब ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है ना, अब जब मैं इसमें प्लांट लगाऊंगी तब ये और भी सुंदर लगेगा। ओके, तो अभी मैं फिर से बता रही हूं, अगर आपने वाल्लिका किया है और आगे दशावतार की क्लास लेना है आपको तो 299 इसका फीस है एंड 2 डेज वर्कशॉप है, रिकॉर्डेड सेशंस, जस्ट एंड ये दोनों पेंटिंग का है, एक्रेलिक पेंटिंग है पृथ्वीराज चौहान एंड संयोगिता, सो यू कैन डू दिस। ओके, टुमारो क्लास कल से स्टार्ट हो रही है, रजिस्ट्रेशंस हम बिल्कुल क्लोज करने वाले हैं, कल 11 o'clock तक का रजिस्ट्रेशन टाइम दिया है, अगर नहीं हम पहले भी क्लोज कर सकते हैं अगर रजिस्ट्रेशन हो गए कंप्लीट, तो सीट्स फुल हो गई तो हो जाएगा। श्वेता जी की सीट रिजर्व है, उन्होंने पहले ही रिजर्व करवा दी थी, तो श्वेता जी की सीट रिजर्व है, अदरवाइज हम अगर सीट्स फुल हो गई तो हम रजिस्ट्रेशन पहले ही क्लोज कर देंगे। ओके, और रेस्ट ऑल मटेरियल पिक्चर्स आई विल शेयर इन व्हाट्सएप ग्रुप, यू कैन ज्वाइन व्हाट्सएप ग्रुप, माय व्हाट्सएप नंबर इज अवेलेबल ऑन फेसबुक पेज, सो थैंक यू एवरीवन, बाय बाय एवरीवन, सी यू सून, जल्दी मिलते हैं कल की एक्रेलिक पेंटिंग की वर्कशॉप में मिलते हैं। ओके, बाय बाय।